हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मटेरियल पीरियड चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया, जिसमें चोलास एंड बाकी के रूलर्स आते हैं, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द टाइटल्स अज्यूम्ड बाय द चोला किंग राजेंद्र। तो टाइटल, अब ये जो चोला किंग थे राजेंद्र, इनको काफ़ी सारे टाइटल्स दिए गए थे। ये मोस्ट सक्सेसफुल रूलर थे साउथ इंडिया के, चोला एम्पायर के। तो अब इनको बहुत सारे टाइटल्स दिए गए थे, जैसे कि गंगीकोंडा हो गया, मुडीकोंडा हो गया, पंडिता चोला हो गया। तो ये टाइटल्स इनको दिए गए थे, लेकिन ये जो त्याग समुद्रा है, ये टाइटल इनको नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है, रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट इन द रेन ऑफ विच पलवा रूलर। महाबलीपुरम में जो रथ टेम्पल है, ये कौन से पलवा रूलर के टाइम पे बनाया गया था? तो वो थे नरसिंह वर्मन वन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स कॉन्कर्ड सेलोन फर्स्ट। सेलोन को सबसे पहले कौन से चोला किंग ने कॉन्कर किया था? तो वो थे राजा राजा वन। अब ये जो राजा राजा वन थे, ये साउथ इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल मनार्क थे, और इन्होंने सेलोन को कॉन्कर कब किया था? 1017 AD में, राइट। नेक्स्ट है, द सेवन पगोडास ऑफ महाबलीपुरम आर अ विटनेस ऑफ द आर्ट पैट्रोनाइज्ड बाय। अब ये पगोडास क्या होते हैं? ये रिलीजियस प्लेसेस हैं महाबलीपुरम की, और महाबलीपुरम के ये जो सेवन पगोडास बनाए हुए हैं, ये कौन से टाइम पीरियड के हैं? ये है पलवास के टाइम पीरियड के, पलवा डायनेस्टी के टाइम पे ये बनाए गए थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस कैलाश टेम्पल लोकेटेड। कैलाश टेम्पल कहाँ पे है? कैलाश टेम्पल है इलोरा केव्स में। नेक्स्ट है, द चोला पीरियड इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। चोला पीरियड जो है, ये विलेज असेंबलीज के लिए काफी फेमस है, जिसको बोलते हैं ग्राम सभास। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम वॉज इस्टैब्लिश्ड बाय। महाबलीपुरम किसने इस्टैब्लिश करा था? तो ये करा था पलवास ने। नेक्स्ट है, द फेमस आइडल ऑफ गोमतेश्वर एंड फेमस जैन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है श्रीरंगपट्टनम में, राइट। अब ये जो आइडल ऑफ गोमतेश्वर है ना, इसकी अगर हम हाइट की बात करें, तो इसकी हाइट है 57 फीट, राइट। और ये किसका बना हुआ है? ये मोनोलिथिक रॉक का बना हुआ है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है? ये पड़ता है कर्नाटका में, राइट। नेक्स्ट है, रामायणम द तमिल वर्जन ऑफ ग्रेट एपिक रामायणा वॉज मेड बाय। अब रामायणा को का जो तमिल वर्जन आया था, ये तमिल वर्जन किस कौन लेकर आया था रामायण का? रामायण का तमिल वर्जन आया था 12th century में। कौन लेकर आया था? कंबन रामायणम। कंबन रामायणम रामायणा का तमिल वर्जन लेकर आए थे, जिसका नाम था रामायणम, राइट। नेक्स्ट है, द टू किंगडम्स एस्टैब्लिश्ड बाई इंडियंस इन इंडो चाइना इंक्लूड। इंडो चाइना में जो दो नए किंगडम्स बने थे, वो कौन से थे? तो वो थे चंपा एंड कंबोज। नेक्स्ट है, द फेमस कैलाश टेम्पल कट आउट ऑफ द सॉलिड रॉक एट इलोरा वॉज बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। इलोरा में ये जो कैलाश टेम्पल बना हुआ है, ये राष्ट्रकूतास के टाइम का बना हुआ है, राष्ट्रकूतास ने बनवाया था। नेक्स्ट है, हु डिस्ट्रॉयड द एम्पायर ऑफ चालुक्यास ऑफ बदामी। बदामी में जो चालुक्य एम्पायर है, इसको ख़त्म किसने किया था? तो इसको ख़त्म किया था राष्ट्रकूतास ने। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिलीजन्स वॉज पैट्रोनाइज बाय राष्ट्रकूतास। राष्ट्रकूतास कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? तो ये फॉलो करते थे जैनिज्म को। नेक्स्ट, द फेमस बैटल ऑफ टकोलम ऑफ साउथ इंडिया वॉज फॉट बिटवीन। ये जो बैटल ऑफ टकोलम हुई थी साउथ इंडिया की, तो ये किन किन के बीच में हुई थी? ये चोलास एंड राष्ट्रकूतास के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है, साउथ इंडियन स्टेट विच वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर वॉज। साउथ इंडिया की कौन सी स्टेट है जो अपनी नेवल पावर के लिए काफ़ी फेमस है? तो वो है चोलास। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य इस्टैब्लिश्ड 4 मठ्स। दीज मठ्स आर सिचुएटेड एट। अब ये जो आदि शंकराचार्य थे, ये इन्होंने 4 मठ बनाए थे। कौन कौन से मठ है ये? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड श्रृंगेरी, एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड बे ऑफ बंगाल इंटू चोला लेक।
तो वो थे राजेंद्र वन। नेक्स्ट, हु वॉज ए चोला किंग टू हैव कॉन्कर्ड बंगाल, बंगाल को कौन से चोला किंग ने कॉन्कर किया था, तो वो थे राजेंद्र वन। अब राजेंद्र वन ने पहले बंगाल को कॉन्कर किया और उसके बाद जो बे ऑफ बंगाल था उसको चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द चोला किंग्स कॉन्कर्ड सेलोन, सेलोन को कौन से चोला किंग ने कॉन्कर किया था, तो वो थे राजेंद्र वन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकुता एम्पायर, राष्ट्रकुता एम्पायर जो था उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, तो वो थे दांतीदुर्ग राष्ट्रकुता। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द चोलास डिफीटेड पांड्यास एंड चेरा रूलर्स एंड एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडिवियल पीरियड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो चोलास थे उन्होंने पांड्यास और चेरास दोनों को ही हरा दिया था, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द चोलास सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्कर्ड सम ऑफ द एरियाज। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स थे उनको भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।